प्रिय दर्शकों, अब तक आपने देखा कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी थी, जिसके राजा थे महाराज दशरथ। उनकी 3 रानियां व 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों ने अपने गुरु से विद्या पाई। फिर हमने देखा कि महामंत्री सुमंत राजकुमारों को राजसी वस्त्र में सुसज्जित कर अयोध्या ले आए। जब राम 16 वर्ष के हुए, तब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्हें राक्षसों से हो रही परेशानी के बारे में बताया। और फिर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल दिए और आश्रम जाकर सभी राक्षसों का अंत किया। अब आगे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला देश गए। वहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। सीता जी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनके विवाह के लिए उनके पिता ने ये शर्त रखी थी कि जो भी राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए और उन सब ने एक एक करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर सब बेकार। तब विश्वामित्र ने राम से कहा और राम जी ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वो टूट गया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, फूलों की वर्षा होने लगी। सीता जी भी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने राम जी को वरमाला भी पहना दी। फिर सीता जी और उनकी बहनों का विवाह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हो गया। फिरन लागी हरे हरे, फिरन लागी भावरिया, मन हर्षित पुलकित गात, फिरन लागी हरे हरे, फिरन लागी भावरिया। सिया राम पिया के साथ, श्री जू सागर विष्णु पसाती, हिमगिरी गौरी शिव संग ब्याही, जनक निधि करती आनंद मग्न हर रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। एक दिन रानी केकई ने दासी मंत्रा की बहकाने पर राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने का वचन मांगा, क्योंकि वो अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। राम जी भी अपने पिता का वचन निभाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण
और अपनी पत्नी सीता के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी, मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए चले गए और तो और भरत के कहने पर भी अयोध्या नहीं आए। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।